आंदोलन जाएंगे, तुम्हारे आंदोलन मत के अंदर खड़े रहकर आजाद देंगे, हम भी कह सकते हैं, लेकिन हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता। हमारा इस्लाम ये सिखाता है कि लोगों से प्यार से और मोहब्बत से पेश आए। स्वामी दिखने को तो स्वामी है, वो भगवा कलर डाल कर अगर ऐसे बयान अगर देता है तो मुझे अफसोस की बात है, वो हिंदू हो ही नहीं सकता। इस मुल्क की आजादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस मुल्क को आजादी दिलाई है। अगर वो आएगा तो अंदाजा कि लोग खामोश नहीं बढ़ते, उसको धोएंगे, जूते मारेंगे, बल्कि उसका अंदाजा है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान हमको इजाजत देता है हमारे इबादतों के अंदर हमारे मुताबिक हमारे मजहब के मुताबिक हम इबादत कर सकते हैं। उसका एक ही काम है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाना, मुसलमानों के खिलाफ बयान देना, सिर्फ एक ही काम करता आया है, उसकी जिंदगी इसमें कही है। लेकिन जितना मुसलमानों को जहर बहुत बनाया गया उतनी भयानक तौर पर मुसलमान उभर कर आया है। शहर में हिंदू मुस्लिम तमाम लोग मिलकर रहते हैं, हम तमाम इत्तेहाद के साथ रहते हैं। हमारे इत्तेहाद को अगर कोई तोड़ने की कोशिश करेगा तो हिंदू भी खामोश नहीं बैठेगा, मुसलमान भी खामोश नहीं बैठेगा। जो डेडलाइन यहाँ पर दिया था वो डेडलाइन के मुताबिक आज 9 तारीख है, जिसके लिए आज हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और देखना चाहते हैं कि वो कैसा यहाँ पर आएगा और किस तरह से वो हनुमान चालीसा जो पढ़ने का बयान दिया था वो किस तरह से बयान देगा। चाहे तो हम भी बयान दे सकते हैं, हम भी डेडलाइन दे सकते हैं, हम भी कह सकते हैं कि हम भी आंदोलन जाएंगे, तुम्हारे आंदोलन मठ के अंदर खड़े रहकर आजाद देंगे, हम भी कह सकते हैं, लेकिन हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता। हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता। हमारा इस्लाम ये सिखाता है कि लोगों से प्यार से और मोहब्बत से पेश आए, ये हमारा इस्लाम, हमारे इस्लाम की तरबियत है। और मुझे यकीन है हिंदू की भी ये तरबियत नहीं हो सकती कि किसी के इबादतगाह के सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा और साउंड लगाकर स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ा जाए। ये हिंदू धर्म भी नहीं सिखाता, वो हिंदू धर्म का हो ही नहीं सकता। वो स्वामी दिखने को तो स्वामी है, वो भगवा कलर डालकर अगर ऐसे बयान अगर देता है तो मुझे अफसोस की बात है, वो हिंदू हो ही नहीं सकता। और हिंदुत्व की बात करता है, हिंदू राष्ट्र की बात करता है, तो मैं उसको कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस मुल्क को आज़ादी दिलाई है, और ये इसकी कोई औकात नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ इसकी कोई औकात नहीं है, उसके बयान के ऊपर हम कोई अहमियत नहीं रखते। आज इतने लोग जमा हुए हैं उसको भी अंदाजा है, वो हिम्मत नहीं करेगा बाहर आने की, वो आने की भी कोशिश नहीं करेगा। अगर वो आएगा तो उसका अंदाजा है कि लोग खामोश नहीं बैठते, उसको धोएंगे, जूते मारेंगे, बल्कि उसका अंदाजा है, जिसकी वजह से वो नहीं आएगा। अगर आएगा तो मैं तमाम नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि हमको हमारी जो इस्लामी तरबियत है, हम अच्छे अखलाक से, प्यार मोहब्बत से हम लोगों का दिल जीतने का काम करेंगे। और वह ऐसे 10 स्वामी आने और यहाँ पर हमारी इबादतगाह को कोई उंगली नहीं उठा सकता। बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान हमको इजाजत देता है हमारे इबादतगाह के अंदर हमारे मुताबिक हमारे मजहब के मुताबिक हम इबादत कर सकते हैं। ऐसे 2 कोड़ी के स्वामी अगर आकर कहता है कि वहाँ पर नहीं पढ़ा नहीं देना चाहिए, वो देना नहीं चाहिए, उन होता कौन है किसी भी मजहब के ऊपर? सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, वो किसी दूसरे मजहब के ऊपर भी उंगली नहीं उठा सकता। अगर वो हिंदू की बात करता है, हिंदुत्व की बात करता है, तो हिंदुओं के लिए क्या भला काम किया आज तक? कितने हिंदुओं के नौजवान बेरोजगार नौजवानों के लिए वो आज तक काम किया है? आज तक किसी के हिंदुओं के वेलफेयर के लिए वो काम नहीं किया। उसका एक ही काम है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाना, मुसलमानों के खिलाफ बयान देना, सिर्फ एक ही काम करता आया है, उसकी जिंदगी इसमें कही है। लेकिन जितना मुसलमानों को जहर बहुत बनाया गया उतनी भयानक तौर पर मुसलमान उभर कर आया है। ये पहली बार नहीं, इससे पिछले बहुत बार है, लेकिन मुसलमान हमेशा मुतैद होकर उनका मुंह पर जवाब देने की ताकत रखता है, हिम्मत रखता है, और इसी तरह से ताकत जवाब देते रहेंगे। जितना तुम हमको दबाओगे उतना हम उभर कर बाहर आएंगे। और यहाँ पर गुलबर्गा शहर में हिंदू मुस्लिम तमाम लोग मिलकर रहते हैं, हम तमाम इत्तेहाद के साथ रहते हैं। हमारे इत्तेहाद को अगर कोई तोड़ने की कोशिश करेगा तो हिंदू भी खामोश नहीं बैठेगा, मुसलमान भी खामोश नहीं बैठेगा। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से भी कहना चाहता हूँ,